चलिए आज बनाते हैं पोहा। इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। पहले हम पोहा डाल लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम इसमें डाल लेते हैं। इसको धो लेंगे हम दो बार अच्छे से, इस तरीके से हम इसको अच्छे से धो लेंगे। और अब इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ एक पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच घी। मैंने आधा कप मूंगफली लिया है छोटे कप से, और इसको हम इसमें डालकर भून लेते हैं। इस तरीके से हम इस मूंगफलियों को भून लेंगे। मूंगफली हमारी हो चुकी है और इसको अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम थोड़ी सी घी और डालेंगे, और इसमें राई डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, उसके बाद कटी हुई लहसुन डाल देंगे। इसे हम भून लेंगे, इस तरीके से हम इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। और इसमें डाल देंगे करी पत्ता, बाकी हम इसमें कटी हुई मिर्ची डाल देंगे, इसको भी इसके साथ भून लेते हैं। और अब डाल देंगे प्याज, प्याज को भी हम इसमें भून लेते हैं। प्याज को हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगे, और इसको जब तक ब्राउन न होंगे तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। हमने एक टमाटर काट के रखा है, और टमाटरों को भी हल्का हल्का भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे गलाने के लिए, इसको थोड़ी सी इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और हल्दी पाउडर डालेंगे, और लाल मिर्ची डालेंगे। बाकी इन मसालों को हम मिला लेते हैं। इस तरीके से मसाले हमने मिला लिया है, मसाले हमारे हो चुके हैं। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पोहा धो के रखा था, उसको डाल देते हैं। और अब सबको मसालों से अच्छे से मिला लेते हैं। पोहा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और पोहा हमारा ये देखना अच्छे से बन चुका है। और अब इसको थोड़ी सी ऐसे अलट पलट लेंगे, और बाकी हमारा हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम भुने हुए मूंगफली ऊपर से। लीजिए फ्रेंड्स, पोहा बन के रेडी है। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, तो पोहा हमारा बन चुका है। अगर आपको हमारी ये पोहा की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं।